हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड, गाइड, कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रोफॉर्मा एनालिसिस पर, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम इस बात को पता करते हैं कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा चल रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा हम पे कर रहे हैं। और उसके लिए जब हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते कैसे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो उसमें उसका प्रोफॉर्मा, उसका प्रेजेंटेशन, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, साइंस के साथ साथ क्या है, एक आर्ट है। और उस आर्ट को कैसे अच्छे से बनाया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए कि हमारे को अच्छे रिजल्ट्स तो मिले ही मिले, देखने में भी वो खूबसूरत लगे। तो बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रोफॉर्मा के बारे में, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेंटेन करते हैं, जिसमें पता करते हैं कि एक टाइमिंग पीरियड जो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के टाइम को कहते हैं। और इस टाइमिंग पीरियड में हमारे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट पता करना होता है कि कैसा फ्लो है, इनफ्लो आ रहा है कि आउटफ्लो आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या है, और उन सभी चीजों को एनालाइज करके ही हम लोग को क्या करना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का एक बहुत अच्छा सा फायदा है, वो ये होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय एक जब स्टूडेंट बनाता है तो उसे एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चल जाता है कि उसने सही बनाया है या गलत बनाया है, उसने सही बनाया है या गलत बनाया है, वो वहीं पे चेक हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा क्या होता है। जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी होगी, और सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट किस डेट को बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड कॉलम के ऊपर लिख देंगे। और सबसे पहले हम लिख बनाएंगे क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताएंगे। और इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे को जरूरत होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। कभी कभी क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया होता है, हम कंपैरिजन करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, और डायरेक्टली हमारे को कोई ऐसी चीज नहीं, इंफॉर्मेशन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान के कितना बढ़ा है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है। और अगर नहीं दिया है तो सिचुएशन में हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेजर करना होगा, और उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको करना क्या होता है, हमारे को जो प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो हमारे को प्रॉफिट दिया है, अगर वो दिया है और हमको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर रिजर्व, कोई भी रिजर्व है, अगर ट्रांसफर हुआ है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे रिकॉर्ड किया गया है तो उसे हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। उसके बाद आपको प्रपोज डिविडेंड अगर दिया हो, क्योंकि डिविडेंड का प्रोविजन पहले से कर लिया जाता है कि हमको अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, उसका प्रोविजन पहले से करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में करते हैं उसका पेमेंट करंट ईयर में होता है, पहले से करके चलते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर के लिए पहले से ही अरेंज करके चलते हैं। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो भी क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है तो आप उसे भी क्या करना, ऐड कर देना, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है ऐसा डिविडेंड
ऐसा प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया गया बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए हुए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने से पहले ही जब हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं तो वो डिविडेंड हमारा इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। वो अगर करंट ईयर का दिया है तो वो भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया हुआ है, तो वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और इन चारों चीजों को अगर दिया है तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे क्या हो चुके हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो चुके होंगे, माइनस हो चुके हैं, तो रिवर्स करना होगा। बैक जाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में दिखा है रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स का पैसा वापस किया है, तो वो मिला होगा, वो ऐड हुआ होगा, उसे हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और माइनस सब चीज करने के बाद हमको जो रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की शुरुआत करने के लिए ये बहुत ही जरूरी आइटम है। क्योंकि जब तक आपको बिफोर टैक्स नहीं मिलेगा आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। जरूरी क्या है, अगर पहले से दिया है तो ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। अगर दिया है पहले से प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो डिपॉर्ट करने की डायरेक्टली लेलिंग कर लेंगे, अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेट करके हमको निकालना होगा। तो चलते हैं, कैसे बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोफॉर्मा बना हुआ है, हमने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिख दिया। ये अमाउंट के दो कॉलम बनाए जाते हैं, पहला कॉलम कैलकुलेशन के लिए और सेकेंड कॉलम हमारा अमाउंट जो है रिजल्ट के लिए। इसमें क्या किया जाता है, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाते हैं तो आप उन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर देते हो जो माइनस करे जा चुके हैं और जो नॉन कैश हैं, मतलब जिसमें हमारे पास से पैसा जाता नहीं है, या जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं उनको हम क्या करते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं। मतलब हमने उनको माइनस किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अब हम उसे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स जब आपकी फॉल करती है तो उसमें क्या होता है, हमको नुकसान होता है और ये पैसा जाता नहीं है। तो अगर ये ऐसा हुआ है, आपको दिया है, तो वो क्या होगा, ऐड कर दिया जाएगा। आपने प्रिमरली एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अगर आपको दिया हुआ है तो उनको भी क्या करना होगा, आपको डिसअलाउ करके यहां पे ऐड करना होगा। डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ दिए हुए हैं, डिबेंचर की वैल्यू राइट ऑफ की जा रही है। पेटेंट जो क्या है, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम लोग केवल और केवल क्या फील कर सकते। गुडविल एसेट्स है, ट्रेडमार्क और इन सब की वैल्यू अगर आपकी क्या हो रही है, फॉल कर एमोर्टाइज हो रही है, तो ये सब चीजें क्या होगी, हमने इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेबिट में रिकॉर्ड किया होगा और इसको क्योंकि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो हम इन्हें क्या करेंगे, यहां पे डिसअलाउ कर देंगे। फिर आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखें प्रोफॉर्मे में तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। भाई हम उधार क्यों लेते हैं, एक बिजनेसमैन मार्केट से उधार इसलिए लेता है ताकि वो फाइनेंस की जरूरतें पूरी कर सके, और ये फाइनेंस की जरूरतों के लिए हम जो फाइनेंस को के लिए नीड को फुलफिल करने के लिए जब बारोइंग्स करते हैं या उसका रीपे करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, जो ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाने के बाद हमको पता चलती है। तो अगर उसके लिए हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो ये कैश ट्रांजेक्शन फिर भी यहां डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ था नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जो नॉन ऑपरेटिंग, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है, उनको क्या करना होगा, हमको यहां पे डिसअलाउ करना होगा, क्योंकि ये माइनस हो चुके हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आगे देखते हैं, दिया हुआ है अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट आपने यूज किया है, कैश क्रेडिट का यूज किया है,
और ये सारी चीजों का यूज जब करते हैं तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ये किसमें का पार्ट है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है और हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी कंप्यूटर टाइपराइटर को बेचने से अगर नुकसान हो जाता है, हम देखते हैं कि इसे पीएल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देते हैं, मगर वास्तव में ये क्या है, सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, लॉस अलग से नहीं होता, लॉस की वैल्यू अलग से नहीं आती, ये ऑलरेडी आपकी क्या होती है, लॉस हो या प्रॉफिट हो ऑलरेडी एडजस्टेड फिगर होती है, जिससे क्या किया गया, हमको यहां पे डिसअलाउ करना होगा। तो याद रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है या नॉन ऑपरेटिंग आपकी एक्टिविटीज से कनेक्टेड हैं, जिनको हमको क्या करना होगा, या डिसअलाउ करना होगा, क्योंकि ये माइनस हो चुके हैं तो हमने इसे प्लस कर दिया। इसी तरह से कुछ ऐसी इनकम्स भी होती हैं जो आपकी नॉन ऑपरेटिव होती है, जस्ट लाइक बात करें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट क्यों मिला, क्योंकि मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, यहां से हम इसे हटा देंगे। डिविडेंड मिला, हमने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया होगा इसीलिए तो डिविडेंड मिल रहा है। रेंट मिला, कहां से मिला, रेंट से इनकम कहां से हो रही है, हमारे पास बिल्डिंग होगी, हमारे पास कोई ऐसी चीज होगी जिसको हमने किराए पे दे दिया और किराया मिला, तो इनकम है कि नहीं, तो ये ऑपरेशन एक्टिविटी नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट के वजह से मिल रही है, क्योंकि हमने इसे इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो जुड़ गई है उनको आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। फिर दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसा कि यहां पे लॉस था जो पीएल अकाउंट के डेबिट में लिख के माइनस कर दिया जाता है, वैसे ही आपका यहां पे क्या हुआ है, ये इनकम साइड में पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्योंकि लिख के जोड़ दी गई है, तो इसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एड हो चुकी, तो ऐड हो गई, अब हटाएंगे तो ये क्या हो गया, लेस सेगमेंट में जाएगी, यहां देखिए लिखा हुआ है लेस। तो ये कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो हमारी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, जिसे हमको क्या करना होगा, डिसअलाउ कर देना होगा। और ये सब चीज करने के बाद हमको क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से पहले ही हमारे को जो आ रहा है वो पोजीशन पे हम पहुंच चुके, क्योंकि लिखा हुआ है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, भाई अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में चेंजेस के बारे में एनालाइज नहीं किया, और आपको पता है वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। भाई वर्किंग कैपिटल में चेंजेस अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में होने वाले मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड क्या होता है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, तो रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, कितना जो पैसा आएगा वो इनफ्लो यहां पर रिकॉर्ड होगा, तो दिया हुआ है अगर आपको प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में करंट ईयर में करंट एसेट्स में फॉल दिख रहा है, डिक्रीज दिख रहा है, तो ऐड कर दिया जाएगा। क्यों ऐड कर दिया जाएगा, भाई हमें डेटर्स अगर आप देखें ईयर की स्टार्टिंग में थे 50,000 के और आज हो गए 20,000 के, 50,000 के डेटर्स थे मतलब क्या है, ये आपको फ्यूचर में पैसा देंगे, और अब कितने के, केवल 20,000 के, इसका मतलब कम क्यों हो गए, कम इसलिए हो गए क्योंकि उनसे पैसा मिल गया होगा। स्टॉक 1 लाख का था अब हो गया 50,000 का, स्टॉक ईयर की स्टार्टिंग में 1 लाख का था अब हो गया 50,000 का, इसका मतलब क्या है, बाकी के 50,000 का स्टॉक को हमने बेच दिया, पैसा मिल गया। अगर ऐसा हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, मतलब करंट एसेट्स अगर रिड्यूस कर रही हैं तो वो क्या है, इनफ्लो को इंडिकेट कर रही हैं, और जब इनफ्लो को ये इंडिकेट करती है तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका जस्ट रिवर्स, एसेट्स के अपोजिट अगर आप बात करें लायबिलिटीज की, तो दिया है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज,
करंट लायबिलिटी का बढ़ना प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर बढ़ती हुई दिख रही है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में, तो ये प्लस कर दी जाएगी। क्रेडिटर हमारे 20,000 के थे और आज हो गए 50,000 के। क्रेडिटर कौन होता है? जो आपसे फ्यूचर में पैसा लेगा। भाई 20 से 50 क्यों हो गए? क्योंकि अभी क्या हो गया, उन्होंने कुछ पैसा और दिया जिसे मुझे फ्यूचर में उन्हें वापस करना होगा। कोई बात नहीं, आज तो पैसा आया है हमारे पास, आज पैसा आ रहा है, बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेक ही यही किया जाता है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो क्या करना है, ऐड किसे करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितनी कम हो रही है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसका रिवर्स देखें तो अगर दिया है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ रही है। भाई स्टॉक हमारा 10,000 का था, अब हो गया 20,000 का। इसका मतलब क्या है, 10,000 जो बढ़ रहा है उतने का मैंने स्टॉक और खरीद लिया। अब और खरीदा तो खरीदेंगे तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। डेटर्स हमारे बढ़ गए 20 से 30,000 के हो गए। डेटर्स कौन, आने वाले समय में पैसा देंगे, देंगे ना, ठीक है कोई बात नहीं, आज तो हमने उनको पैसा दिया तभी तो वो दे रहे हैं। तो क्या है, ये आउटफ्लो को इंडिकेट कर रहा है, और अगर आउटफ्लो हो रहा है पैसा जा रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो रही है, तो ये क्या किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर क्या है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज का फॉल करना। क्रेडिटर्स कम हो गए, बिल्स पेबल कम हो गए प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में। इसका मतलब है हमने उनका पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, पैसा गया, और पैसा जो गया वो क्या है, आउटफ्लो को बता रहा है, आउटफ्लो को बता रहा है पैसा जा रहा है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करेगा। और जब हम इन सारी चीजों को जो ऐड करना है, माइनस करना है, सब कुछ करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और उसमें से अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इनकम टैक्स पेड तो माइनस कर दीजिएगा, और अगर रिफंड ऑफ टैक्स दिया है तो प्लस कर दीजिएगा। उन सब के बाद जो रिजल्ट आएगा, ध्यान से फिर सुनिएगा, इनकम टैक्स पेड पैसा जा रहा है ये माइनस होगा, और रिफंड ऑफ टैक्स आपका क्या होगा, प्लस होगा। इन सब के बाद जो फाइनल रिजल्ट, अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम, और अगर हमारा रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे फ्रॉम नहीं लिखेंगे, और हम क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पॉजिटिव आने पे लिखना होगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर निगेटिव आ रहा है तो लिखा जाएगा नेट कैश यूज, मतलब यूज हो गया, हमारे पास से गया है वो क्या है, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद उसी परफॉर्मे को कंटिन्यू करते हैं, फिर क्या होता है, हमको निकालना होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नाम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट, हमने क्या किया, कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो पैसा जाएगा, और इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करके कैश में जब कन्वर्जन करेंगे तो पैसा आएगा। तो यहां दिया हो, अगर आपने सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स अगर आप बेचें तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने क्या किया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, आपको इन्वेस्टमेंट के रिवॉर्ड में इंटरेस्ट मिला, जिसे आपने डिविडेंड मिला, जिसे आपने क्या किया था, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वहां पर देखिएगा आपने क्या किया था, डिसअलाउ कर दिया था, वहां पे क्या किया था, डिसअलाउ कर दिया था डिविडेंड इंटरेस्ट रेंट की इनकम। और यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि यहां से ये कनेक्टेड है तो यहां पे हम इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ये सब क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव इनकम है, फेवरेबल अमाउंट बता रही है। और अगर इसका रिवर्स आपको देखने को मिले, हमने परचेज किया, हमने टेंजिबल एसेट्स खरीदा, हमने इनटेंजिबल एसेट्स खरीदा, हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे, तो ये सब में क्या होगा, पेमेंट होगा, पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव डेटा देगा।
तो कुछ इन आपकी रिसीविंग्स है, कुछ इनफ्लो बता रही है। ये क्या बता रही हैं? इनफ्लो बता रही हैं, ये आउटफ्लो बता रहा है। और जब आप इनफ्लो और आउटफ्लो का असेंबलिंग करेंगे तो रिजल्ट हमारा हो सकता है पॉजिटिव आ जाए और हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आ जाए, जैसा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी मैंने बताया था, तो लिखा जाएगा नेट कैश फ्रॉम। और अगर डेटा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है इनफ्लो और आउटफ्लो को प्लस करने के बाद, तो क्या आएगा? लिखा जाएगा फ्रॉम नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैंने आपको दो एक्टिविटीज बताई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम आपसे बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाम क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस की बात करना है क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत है पैसे की। और ये पैसा फाइनेंस आएगा कहां से? जब एक बड़ा बिजनेस होता है तो उसके लिए तो और ज्यादा पैसे की जरूरत होती। तो हुआ क्या कि हमने शेयर इशू कर दिया, इक्विटी इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू करके मार्केट से पैसा ले लेते हैं, बारो कर लेते हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए, 5 years, 7 years, 10 years के लिए हमने लोन ले लिया। भाई कम समय के लिए जरूरत है तो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए लोन ले लिया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6 month के लिए मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो पैसा सभी में आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या बता रहा है हमको? इनफ्लो बता रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेटा इंडिकेट कर रहा है। हमारे ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट अगर बढ़ रही है तो ये भी क्या होगा? इनफ्लो को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? इनफ्लो को इंडिकेट करेगा। ये हमारी क्या होती है? शॉर्ट टर्म बारोइंग होती है। और अगर ये इसका रिवर्स हो जाए, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर ये घट रही है, रिड्यूस कर रही है, फॉल कर रही है, तो वो क्या होगा? ये हमारे को कहीं ना कहीं दिखाएगा कि हम आउटफ्लो कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, ये आउटफ्लो को इंडिकेट करेगा। भाई शेयर इशू किया तो इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। हमने डिविडेंड दे दिया, इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म बारोइंग, लॉन्ग टर्म बारोइंग कोई भी है जो हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उस पर इंटरेस्ट डिसअलाउ किया था, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट डिसअलाउ किया था, वो यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि ये फाइनेंसिंग के लिए पैसे की अरेंजमेंट करने के लिए हुआ है। क्योंकि भाई फाइनेंस कहां से आ रहा है? जो भी आ रहा है उस पर हमको उसका रिवॉर्ड देना पड़ता है। भाई हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पैसे का यूज करता है, उसके बदले में क्या देता है? ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो शेयर होल्डर ने जो शेयर में पैसा लगाया उस पर उनको क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उनको क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो ये सब क्या है? आउटफ्लो को इंडिकेट कर रहा है। और ये क्या होगा? निगेटिव डेटा हमारे सामने अवेलेबल करा रहा है। अगर हमने लोन का रिपेमेंट कर दिया, अभी तो मैं बात कर रहा था इंटरेस्ट का, तो क्या हो रहा है? लोन का रिपेमेंट हो जाए, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, डिबेंचर्स का रिपेमेंट हो जाए, तो क्या होगा? ये सब आउटफ्लो को इंडिकेट करेगा। आउटफ्लो मतलब पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है। डेटा कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो बात कर रहे हैं कुछ आपकी इनफ्लो हो गई, कुछ आउटफ्लो हो गई, और जब हम उन सब चीजों का असेंबलिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब रिसीविंग्स और पेमेंट को असेंबल कर रहे हैं, तो डेटा हमारा हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, फेवरेबल आ जाए या अनफेवरेबल आ जाए। तो ऑपरेटिंग इनकम और इन्वेस्टिंग इनकम की तरह यहां पे भी हम अपने रिजल्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम। अगर डेटा पॉजिटिव आ गया तो लिखा जाएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि निकालने जा रहे थे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हमने लिख दिया। अगर डेटा निगेटिव आ जाएगा तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड। यूज्ड आपका डेटा निगेटिव आ गया है, हमने इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर्स किए हैं, पेमेंट ज्यादा किए हैं, तो वहां लिखा जाएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनाएंगे,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनाएंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे बनाएंगे। इस सेशन में हमने आपको बता रहे थे कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया। कैसे पता चलेगा? तो जब आप करेंगे क्या, चेक करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो भी रिजल्ट आया है, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो रिजल्ट आया है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, एडिशन करने की कोशिश करेंगे। तो किसी का हो सकता है फेवरेबल हो, किसी का पॉजिटिव डेटा आ रहा हो, किसी का निगेटिव डेटा आ रहा हो, और उसके बाद जब आप तीनों को असेंबल करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो मैंने यहां देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। ए मतलब ऑपरेटिंग के लिए, बी इन्वेस्टिंग के लिए, और सी हमने क्या कि तीनों एक्टिविटी को जोड़ दिया। तो रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो आप लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में मैंने लास्ट के सेशन में आपको बताया था कि आखिर कैश और कैश इक्विवेलेंट है क्या। तो बताया क्या था कि अगर आपको दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक या बैंक ड्राफ्ट, अगर ये अलग अलग दिए हुए हैं तो इन सब का असेंबलिंग कंसोलिडेशन करके हम लोग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलता है। अगर डायरेक्टली दिया है तो आपको पता चल गया कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तब होगा जब पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीज कब होगा, जब आपका निगेटिव डेटा आएगा। ये साल भर में हमारी इनफ्लो आउटफ्लो का डायरेक्शन पता चला, और उसमें हम करेंगे क्या, एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमारी ओपनिंग डेट पे हो, हमारा क्या हो, ईयर की स्टार्टिंग डेट पर जो दिया हो ओपनिंग डेट पर, उस प्रीवियस ईयर में क्या था उसको जब हम अपने चेंजेस प्लस क्या करते हैं, चेंजेस प्लस ओपनिंग डेटा जब ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, इज इक्वल टू क्लोजिंग। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो आपको पता चलेगा कि आपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, आपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है वो परफेक्टली एकदम सही है, उसमें कहीं भी कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा आपको हिसाब मिल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में ओपनिंग डेटा नहीं दिया होता, तो सिचुएशन में जब आप करते हो क्लोजिंग डेटा दिया होता है तो क्या करेंगे, जो चीज प्लस करने वाली है वो माइनस कर दी जाएगी। मतलब चेंजेस अगर पॉजिटिव आया है उसमें से क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसे माइनस कर दीजिएगा। जहां ओपनिंग में हम उसे ऐड कर रहे थे तो क्लोजिंग की सिचुएशन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर डिक्रीज आया है, निगेटिव डेटा आया है जिसे हम ओपनिंग की सिचुएशन में माइनस करते हैं, वो क्लोजिंग की सिचुएशन में क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 रुपए थे और उसके बाद मैंने 2 रुपए कमाया शुरुआत में, ये स्टार्टिंग वैल्यू है। स्टार्टिंग में 10 रुपए थे, 2 रुपए कमाया, पता चल गया 12 रुपए मेरे पास एंडिंग डेम पे है। उसका रिवर्स करेगा, निगेटिव डेटा आ रहा है तो स्टार्टिंग में 10 रुपीज थे, 2 रुपए खर्च हो गए, अब क्या बचे एंडिंग में, 8 रुपीज बचे। अब उल्टा चलना हो, इंड से चलना हो, चेंजेस पता हो तो क्या करेंगे, जो चीजें ऐड हुई हैं, जैसे यहां ऐड हुआ है वो यहां माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 कर दिया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा, जो हमारा ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा। यहां पे हमने 2 रुपए माइनस किया क्योंकि पेमेंट हुआ है, तो क्या होगा, 8 प्लस 2 कर दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ओपनिंग सिचुएशन कैश और कैश इक्विवेलेंट की क्या थी। तो होपफुली अब आपको जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आप करेंगे, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। तो इसके लिए, और आप चाहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे सेशन मिले, तो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स भी इससे अटैच हो सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें, हमको मॉरल सपोर्ट मिलेगा और हम इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे सेशंस जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।